देशवासियों को समर्पित किया जाए, देशवासियों को समर्पित किया जाए, ऐसी हमारी मतलब अपेक्षा है और उम्मीद है कि हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वह प्रयास सफल हो। एयरपोर्ट किसी न किसी महापुरुष के नाम से होगा, किसी से, लेकिन अभी नाम मैं कोई लूँ वह उचित नहीं है, उसकी चर्चा कैबिनेट में करेंगे, उससे उसको आने वाले समय में अवगत। देखिए, भगवान रामलला की जन्मभूमि पर चाहे शिवसेना प्रमुख दर्शन करने के लिए आवे और चाहे किसी दल के प्रमुख दर्शन करने के लिए आवे, भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। संतों का कोई आदर करता है, सम्मान करता है, इसका भी हम स्वागत करेंगे। जहाँ तक किसी के आने की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी के लिए अभी रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस दिन से शपथ लेने का काम किया है, विकास की गति तेज हुई है, लेकिन सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय यह है कि हम 2019 कुंभ की शानदार तैयारी कर रहे हैं और उसमें चाहे फ्लाईओवर हों, चाहे आरओबीज हों, चाहे सड़कें, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और हम यह देख रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से सारे काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं चूक न रह जाए, कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसके जो मानक हैं उसका सख्त पालन करते हुए शीघ्रता से कैसे हम जनता की सेवा में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है। आज इसको निरीक्षण करने के लिए मैं आया था, कोई भारद्वाज पार्क को भी जाऊँगा और कुछ और परियोजनाएँ उनको भी देखने की योजना है और उनको देखने के बाद आगे फिर एक दिन का रोडों के निरीक्षण का कार्यक्रम 16 तारीख को करेंगे। उस समय हम न्यूक्लियर गेज के साथ आएंगे, जिसमें सड़कों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए, उनको जो हुआ मापक यंत्र है न्यूक्लियर गेज उससे नाम होगा। देखिए, डेडलाइन जो भी है, हमारा कुंभ का जो मेला है बस प्रारंभ तो जनवरी से हुआ है, 14 जनवरी से, लेकिन डेडलाइन है समय से काम पूरा हो, लेकिन जल्दीबाजी में कोई गलती ना हो, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मैं विभाग केवल के अधिकारियों की ही नहीं, सभी विभाग जो कुंभ मेले की तैयारी में इस समय लगे हैं, वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम जनता के आंखों के सामने।